गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी दूसरी वीडियो है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है कि आप अपने वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने काफ़ी स्टेप्स बताए थे, लेकिन एक्चुअली मैंने फिर बहुत सारी रिसर्च की। मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिले कि आप अपने वेबसाइट की स्पीड को और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और स्पीड का आपको पता है, गूगल ने स्पीड को रैंकिंग सिग्नल बनाया हुआ है कि अगर आपकी स्पीड स्लो लो होगी तो गूगल आपको रैंक नहीं करेगा सर्च रिजल्ट्स में, सर्च में। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी आपके विजिटर भी खुश रहेंगे, क्योंकि उससे आपका विजिटर आपकी साइट को ज़्यादा विजिट करेंगे कि उसकी ज़्यादा पोस्ट को ओपन करेंगे, जिससे आपका बाउंस रेट भी अच्छा रहेगा, विजिटर आपके ब्लॉग पे ज़्यादा स्टे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने एक नोटपैड बनाया हुआ है जिसमें मैंने 10 स्टेप्स हैं। हम इन 10 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 पे आपने ये करना है कि आपने एक अच्छी होस्टिंग चूज करनी है, ठीक है। अच्छी होस्टिंग जो होती है वो आपके ब्लॉग के लिए बहुत सही रहती है। जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं वो कहते ही हैं कि यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई चीज़, लेकिन यार अगर आपने ब्लॉग अच्छे ब्लॉग बनाना है, आपने प्रोफेशनल ब्लॉगिंग में आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक बजट बनाएं, ठीक है। बजट में अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जो होस्टिंग का बजट है वो स्ट्रांग रखें, ठीक है। लेकिन अगर आपका मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए $5 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकें होस्टिंग में, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं अफोर्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शेयर्ड होस्टिंग में यूज़ कर लें, ठीक है। तो शेयर्ड होस्टिंग में जो बेस्ट होस्टिंग है वो इनमोशन होस्टिंग जा रही है। मैं जो अपने ब्लॉग में जो पहले होस्टिंग यूज़ करता था वो ब्लू होस्ट थी, ठीक है। लेकिन अब मैं मूव कर गया हूँ इनमोशन होस्टिंग में, क्योंकि ब्लू होस्ट की जो कस्टमर सपोर्ट है वो अच्छी नहीं है। एक तो इनमोशन होस्टिंग है और दूसरी होस्टिंग है साइटग्राउंड। साइटग्राउंड भी अच्छी होस्टिंग है, इनके पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। इन दोनों होस्टिंग में से अगर आप कोई चूज़ करना चाहें तो ये अच्छी होस्टिंग आप चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में आपने ये करना है कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छी ऑप्टिमाइज कोडेड थीम चूज करनी है। बहुत से जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं वो करते ये हैं कि यार हमें हमारी जो ब्लॉग होना चाहिए उसमें काफ़ी फंक्शंस होने चाहिए, बहुत अच्छी लुक होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा लुक आपकी वेबसाइट के लिए अच्छी नहीं होती। ज़्यादा जो लुक होती है, जो उसमें कोड्स होते हैं वो बहुत फैंसी टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शंस के कोड होते हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को बहुत स्लो कर देते हैं। जो थीम है उसमें अपना ये फोकस रखें, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा फंक्शन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी थीम लोड भी अच्छी करे, ठीक है। इसके लिए आपको एक रिकमेंड करूँगा थीम, वो है जीनिस। मैं जीनिस का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें अपनी चाइल्ड थीम आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी डेवलपर को हायर करके आप इसकी चाइल्ड थीम बनवा लें, ठीक है। मैं जो फिलहाल जो मैं रिकमेंड कर सकूँगा, लेकिन अगर आपका बजट फ्रेमवर्क रनिंग है लेकिन या आप इतने वेब डिज़ाइनर नहीं हैं, आप माई थीम शॉप की भी थीम चूज़ कर सकते हैं। माई थीम शॉप की जो थीम्स हैं वो भी अच्छी वेल कोडेड होते हैं। इसमें कोई आपको कोई डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें इंटीग्रेटेड फंक्शंस होते हैं, तो आप माई थीम शॉप की भी थीम चूज़ कर सकते हैं। हम स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में जब आपने ये करना है, मतलब जब आपने होस्टिंग भी चूज कर ली, अपनी थीम भी चूज कर ली, उसमें वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया, उसमें सब कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिया, आपने पूरा वर्डप्रेस सेटअप कर लिया, तो आपने ये करना है कि जब भी कोई अपडेट आए, ठीक है, आपने अपने अपडेट्स को मुकम्मल, अपने ब्लॉग को, अपने वर्डप्रेस को, अपनी प्लगइन्स को, थीम्स को अपडेट रखना है।
जब कोई अपडेट आता है तो आपकी जो जो अपडेट्स होते हैं उसमें बहुत सारे फिक्सेस होते हैं, ठीक है। उसमें ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है, उसमें फिक्सेस हुए होते हैं, उसमें लेटेस्ट वर्जन जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है। तो वह अपडेट्स आपकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज करती है, तो आपके बहुत अपडेट्स जो हैं काफ़ी लिहाज से सही रहते हैं। तो अपनी जो प्लगइन्स थी उनको अपडेट रहा करें, इससे आपका ब्लॉग भी अच्छा रहेगा, आपकी जो इन स्पीड है वो भी अच्छी रहेगी। 3 steps कंप्लीट हो गए, आप 4 step में आते हैं। ये करना है जो आपकी जो वर्डप्रेस में इमेजेस हैं, ठीक है, उनको आपने ऑप्टिमाइज रखना है, ठीक है। विदाउट ऑप्टिमाइजेशन आपने कभी प्लग इमेजेस हैं वो अपने ब्लॉग पे अपलोड नहीं करनी, जो क्योंकि जो इमेजेस हैं वो बहुत इफेक्ट करती हैं आपके ब्लॉग में। सो आप इनको कैसे कर सकते हैं, एक प्लगइन है इमेजिफाई वर्डप्रेस प्लगइन, इमेजिफाई का ये वर्डप्रेस प्लगइन है। इसमें आपने इनकी साइट पे फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है, ठीक है, ये इनकी साइट है, ठीक है। आप इनकी साइट में भी जाके अगर कोई फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अपलोडिंग आप इनकी साइट पे जाके भी एक अकाउंट बना के अपनी इमेज जो है जो इनकी साइट पे ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ब्लॉग में बहुत सारी इमेजेस आप अपलोड कर चुके हैं सो आप इनकी एक प्लगइन डाउनलोड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ से आपने इनकी प्लगइन डाउनलोड करके वो इंस्टॉल करनी है अपने अकाउंट का, जो आपने जो एक वो को API की प्रोवाइड करेंगे वो इंस्टॉल करके आपने बुलिक कर देनी है, तो वो ये सारी आपकी जो वर्डप्रेस की इमेज हैं वो ऑप्टिमाइज कर देंगे, ठीक है। सो आपकी बहुत सारी स्पेस भी फ्री हो जाएगी और आपका ब्लॉग की जो स्पीड है वो भी अच्छी हो जाएगी। ये मस्ट प्रोसेस है, ओके। सो हम 4 step कंप्लीट हो चुके हैं, सो हम 5 steps पे आते हैं। मैं जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। जो ब्लॉगर्स होते हैं यार वो आते साथ ही इतनी प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के लिए। यानी अगर आपने एक फेसबुक का शेयर बटन या एक फेसबुक का जो विजिट है वो चाहिए उसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं, या गूगल का एक पेज का विजिट चाहिए उसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो लेकिन ये प्लगइन्स जो हैं प्लगइन्स करती ये हैं कि आपकी थीम में आपके ब्लॉग में बहुत सारी कोड्स इम्प्लांट कर देती हैं, ठीक है, CSS इम्प्लांट कर देती हैं जो आपकी स्पीड के लिए अच्छे नहीं होते। सो प्लगइन्स के मैक्सिमम जो हैं वो 10 या 20 तक रखें अगर आपकी स्पीड होस्टिंग जो है वो अच्छी है। लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा 10 से ऊपर प्लगइन ना यूज़ करें अपने ब्लॉग में। मैं अपने ब्लॉग में जो ये आपके सामने डैशबोर्ड खुला हुआ है उस पर मैं अपने जो प्लगइन्स हैं वो ओनली 9 प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो रिमूव अनयूज्ड प्लगइन, जो फालतू प्लगइन्स हैं उन्हें रिमूव कर दें, ठीक है। सो 10 या 20 की रेंज या मैक्सिमम मैं आपको रिकमेंड करूँगा 15 की रेंज तक प्लगइन अपने ब्लॉग में, ठीक है, यूज़ करें। सो ये हमारा 5th step था। अब हम 6th step में आते हैं। 6th step में आपने ये करना है, एक अच्छी कैशे प्लगइन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो कैशे प्लगइन जो फ्री में अवेलेबल है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा W3 Total Cache, ठीक है। W3 Total Cache वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्डप्रेस कैशे प्लगइन है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट के जो वेबसाइट है उसको कैशे करता है। मीन जब आपकी जो ब्लॉग में जो कोई विजिटर आता है तो वो उसके ब्राउजर में इसका कैशे वर्जन कर देता है। जब मतलब जब दूसरी दफा आएगा तो उसका कैशे वर्जन उसके सामने लोड होगा जो फास्ट लोड होगा, ठीक है। सो कैशे जो है वो मस्ट है, ठीक है। इसकी जो वर्डप्रेस की जो कैशे प्लगइन की W3 Total Cache की जो सेटिंग है वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ इसकी सेटिंग्स का, ठीक है। वो मैंने अपने ब्लॉग में एक डिटेल पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है। सो वो मैं आपको लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप मस्ट इसको इंस्टॉल करें और सेटअप करें और देखिएगा इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो ये हमारा
सिक्स स्टेप था। स्टेप सेवन, हम स्टेप सेवन, स्टेप सेवन में आपने ये करना है, जो आपने अपने जो ब्लॉग में जो आपने जो एडसेंस जो मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जो मोस्टली जो ब्लॉग यूज़ करते हैं फॉर अर्निंग मनी, वो एडसेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लॉगर को अभी एफिलिएट मार्केटिंग का इतना नहीं पता होता, जिससे वो एडसेंस की तरफ आ जाते हैं। तो वो करते ये हैं कि अपने ब्लॉग के जो ब्लॉग में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन जिनसे जो उनकी वेबसाइट की स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सारी रिक्वेस्ट लोड्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी ब्लॉग की स्पीड को बहुत स्लो कर देती हैं, और इससे आपका एक्चुअली यूज़र भी बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो जो जैसे मेरे जैसा ब्लॉगर है, वो अगर आपकी साइट को विजिट करे, उसे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट नज़र आए, ठीक है, वो तो आपके ब्लॉग को दोबारा विजिट नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर आपने एडसेंस यूज़ करना है, तो लो एड्स, थोड़ी मिकदार में एडवर्टाइजमेंट यूज़ करें, मीन्स 2 और 3 मैक्सिमम एड्स यूज़ करें, लेकिन ज़्यादा आजकल जो एडसेंस ने अपनी जो पॉलिसीज में आपने जो उनका एक होता था लिमिट होता था कि आप 3 से ज़्यादा नहीं यूज़ करते, वो हटा दी है, तो ब्लॉगर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट यूज़ करने शुरू हो गए हैं, जिनसे उनका ब्लॉग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लोड होने में, और काफ़ी बुरा लगता है मेरे। तो अपने ब्लॉग को क्लीन रखें, ठीक है। सो मैंने जो अपने ब्लॉग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडसेंस लगाई हुई थी, ठीक है, ये मैंने अभी रिमूव कर दी है, ठीक है। सो मैं आपको इनकी एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, ठीक है, कि बिफोर एडसेंस जो लगा हुआ था उसकी रिपोर्ट ये है, ठीक है। लेकिन 2 सेकेंड, 2 मीन्स 3 सेकेंड ले रहा है फुली लोडेड होने में, ठीक है, 79 रिक्वेस्ट हो रही है और 864 KB है टोटल जो साइट की स्पीड, और पेज स्पीड स्कोर है 89, और वाई एलो है, वाई स्लो स्कोर है 71%, ठीक है। सो मेन अगर आप दें तो ये देखें, एक मिनट, ये एक्सपायर हेडर्स, ये सारी एडसेंस की है, ठीक है। सो अगर मैंने एडसेंस रिमूव कर दिया, तो फिर मैंने अगर अपने ब्लॉग को स्कैन किया, तो उसका रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है, मीन 1.6 सेकेंड ले रहा है लोड होने में, ठीक है, 530 हो गया KB से, 865 से लेके 530 हो गया टोटल पेज साइज का, ठीक है, वेबसाइट की साइज, और 31 रिक्वेस्ट हो गई है। ये देखिए, पहले 79 थी, जब मैंने एडसेंस रिमूव कर दिया तो इसकी रिक्वेस्ट 31 हो गई है, और ये देखिए 94% इसका पेज स्पीड है, और वॉइस लो ये भी और इंक्रीज हो गया, क्योंकि जीटी मैसेज को टाइम लगता है, क्योंकि इनका एक कैशियर वर्जन स्टोर होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने एडसेंस यूज करना है, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का इतना नहीं पता, ठीक है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि वो उसमें हम लिंक्स दे देते हैं, ठीक है, पोस्ट के अंदर ही, तो वो वेबसाइट में तो फर्क करती ही नहीं है, ठीक है, जो एडसेंस एड्स हैं वो आपकी स्पीड में बहुत अफेक्ट डालती हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉर प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, सो आप एडसेंस यूज करें, लेकिन 2 और 3 से ज्यादा एड्स यूज ना करें, ठीक है। सो मैं तो अभी एडसेंस यूज कर रहा हूँ कि मेरा कुछ इश्यूज है, मेरी एक पेमेंट है, इस वजह से मैं एडसेंस यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर वो पेमेंट का इश्यू ना होता, तो मैं भी एडसेंस को काफी हद तक लेफ्ट कर चुका हूँ, ठीक है। सो मैं एफिलिएट मार्केटिंग में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। सो स्टेप 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो हम आते हैं स्टेप 8। मैं आपको एक प्लगइन बताऊंगा, ठीक है, वो प्लगइन बहुत अच्छी प्लगइन है, ठीक है, वो आपके जो वर्डप्रेस में अनयूज आइटम्स होती हैं उनको डिसेबल कर देती है, जो आपके ब्लॉग को स्लो कर रही होती हैं, ठीक है। सो हम अपने डैशबोर्ड में चलते हैं, ठीक है, प्लगइन्स में चलते हैं, उस प्लगइन का नेम है WP डिसेबल। ये जो वर्डप्रेस की जो अनयूज आइटम्स होती हैं, जो हम यूज नहीं करते, जिनका आपको पता ही नहीं होता, सो वो आपकी स्पीड को बहुत स्लो कर रही होती है, हम इस प्लगइन के जरिए उन चीज़ों को ऑफ कर सकते हैं। जब हम इस प्लगइन की सेटिंग्स में आते हैं, ठीक है, सो ये आपकी प्लगइन की सेटिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिक्वेस्ट पे आए, ठीक है, ये मेरी इस प्लगइन की सेटिंग्स हैं, डिसेबल इमोजेस क्वेरी सिंक, ये जीटी मैसेज का एक होता है, तो उसकी वो प्लस कर देता है, गूगल मैक्स भी लो कर देती है, फिर रेफरल स्पैम,
जो ये रेफर स्पैम को काफी हद तक कम कर देते हैं, ये गूगल फॉन्ट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, फॉन्ट ऑसम को ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके अलावा ये वर्डप्रेस की स्ट्रेंथ मीटर जो होते हैं, जो नॉन रिलेटेड पेजेस में होते हैं, ये उनको करते हैं, wp-edit-toolbar को ये खत्म कर दे, डिसेबल कर देते हैं। जब हम इसकी टैग सेटिंग में आए, वेरी सिंपल डिस्कवरी टैग, शॉर्ट लिंक टैग, API फ्रॉम हेडर, लाइव राइटर टैग, वर्डप्रेस जनरेटर टैग, अनयूज आइटम्स हैं जो जिनका आपको पता ही नहीं है। ये पोस्ट विजन जो होती हैं, ठीक है, इसमें आपने पोस्ट विजन में एक टू रखनी है, क्योंकि पोस्ट विजन जो होती हैं वो डिफॉल्ट जो होती हैं तो अनलिमिटेड होती हैं, वो डेटाबेस में, हमारे वर्डप्रेस के डेटाबेस में स्टोर होती रहती हैं, और वो स्पीड काफ़ी हद तक स्लो कर देती हैं। तो ये जो प्लगिंग है, इस प्लगिंग के जरिए आप जो अपनी पोस्ट जब कोई एडिट करते हैं तो उसका एक पोस्ट विजन स्टोर हो जाता है डेटाबेस में, उसको लिमिटेड कर देती हैं। तो मैंने ये टू किया हुआ है, ऑटो सेव मैंने डिसेबल किया हुआ है, एडमिन नोटिस डिसेबल्स है, ऑथर पेजेस डिसेबल्स हैं, ठीक है। हीट फ्रिक्वेंसी 60 सेकेंड है, और हीट बीट लोकेशन मैंने डिसेबल, एवरीवेयर डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। ये इसके अलावा पिंग बैक्स और ट्रैक बैक्स भी सही नहीं होते, ये भी डिसेबल्ड हैं, डिसेबल फीड्स भी हैं, ठीक है, ये भी एक डिसेबल रखा हुआ है, क्योंकि ये फाइल है, ये हैकर्स के लिए होती है, कि जब वो अपने जो आपके ब्लॉग को हैक करना होता है तो मोस्टली इस फाइल को देखते हैं, ठीक है। ये ग्रावाटार्स भी मैं यूज़ नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑफ पहले तो मैं अपने ब्लॉग में ग्रावाटार यूज़ करता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि ग्रावाटार आपके वेबसाइट की स्पीड को बहुत स्लो कर देते हैं, मीन्स हम जो हमारा फोकस होता है वो हम अपने ब्लॉग के होम पेज में देखते हैं, ठीक है, तो होम पेज में हम ग्रावाटार यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी पोस्ट को ओपन करके उसके लिंक को जीटी मैसेज में जाके स्कैन करें, तो आप मोस्टली फाउंड करेंगे कि आपकी जो ग्रावाटार्स हैं, जो मतलब आपके अगर एक पोस्ट में बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं उसमें ग्रावाटार यूज़ हो रहे हैं, तो हर ग्रावाटार की एक रिक्वेस्ट जा रही होती है जो आपकी स्पीड को बहुत स्लो अफेक्ट कर रही होती है। सो कमेंट्स में भी ग्रावाटार यूज़ ना करें, लेकिन अगर आप ग्रावाटार यूज़ कर रहे होते हैं तो अपनी कमेंट्स की जो लेंथ है वो लिमिटेड कर दें, मीन्स 20 कमेंट्स के बाद दोबारा वो लोड हो और वो दूसरे पेज में जाके दूसरे कमेंट्स मिले, तो इस तरह भी वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता ग्रावर तो आप इसे डिसेबल कर दें, ठीक है। ये स्पैम क्लीनर का भी, इनका कमेंट्स में जो स्पैम आते हैं, जो आपके स्पैम फोल्डर में जो स्पैम्स होते हैं, तो उनको वो क्लीन कर देते हैं। मैंने वीकली किया हुआ है, और ये हर वीक के बाद ये आपकी जो स्पैम फोल्डर में कमेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, जो मतलब जो आपने कमेंट को स्पैम किया होता है ये उसको रिमूव कर। अच्छा, ये इनका एक फंक्शन है जो गूगल एनालिसिस के लिए है, ये आपका जो गूगल एनालिसिस का कोड होता है, ठीक है, वो भी आपकी वेबसाइट को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। सो मीन ये प्लगिंग, इस प्लगिंग का ये होता है कि आपकी जो कोड है उसको लोकली लोड करता है, मीन वर्डप्रेस के सर्वर से नहीं, इनके प्लगिंग के थ्रू उनके लोकली लोड करता है। सो जिसके जरिए ये आपकी जो स्पीड में ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्टली ये जब यूज़ करें तो आपका ये जीटी एनालिसिस काम ही नहीं करता, ठीक है। अगर तो ये काम कर रहा है तो इधर जस्ट आपने ये गूगल एनालिसिस का जो आईडी कोड है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है और सेव कर देना है, तो ये लोकली लोड होगा। जीटी मैट्रिक्स में आपका एक ब्राउजिंग कैशे का, रिवर्स ब्राउजिंग कैशे वो इम्प्रूव हो जाएगा, जो मोस्टली गूगल एनालिसिस के जरिए आ रहा होता है। सो अगर आप ये कर लें तो ये प्लगिंग मस्ट है, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बहुत सारी और प्लगिंग्स हैं, लेकिन मुझे जो अनयूज आइटम के लिए रिमूव डिसेबल करनी जो प्लगिंग अच्छी लगी है वो wp डिसेबल प्लगिंग। सो हमारे जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, 8 स्टेप्स हैं। हम स्टेप 9 चले जी, क्लीन योर होम पेज। मैंने इसलिए डाला है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपने साइड बार्स में बहुत ज़्यादा विजिट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा विजिट्स ना यूज़ करें, जो इम्पोर्टेंट वंस हैं वही यूज़ करें। जैसे मैं एक यूज़ कर रहा हूँ, एक सर्च बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अपने ब्लॉग में विजिट्स में, एक अपना अबाउट सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फीचर पोस्ट जो रिसेंट पोस्ट आ रही होती हैं, और कुछ एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहा हूँ।
तो ये यहाँ पे जो पोस्ट हैं, इन पोस्ट को मिनिमम आप 5 या 6 रखें या 3 भी रखें, 3 तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये भी आपकी स्पीड में बहुत अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो आपकी स्पीड इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज हो जाएगी। सो स्टेप 9 भी कंप्लीट हो चुका है। सो स्टेप ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, स्टेप 10, ठीक है, ऑप्टिमाइज डेटाबेस। सो इसके लिए आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है, WP ऑप्टिमाइज। आप अपने डैशबोर्ड पे आए, ठीक है, स्टेप डैशबोर्ड पे आए, इसमें एक प्लगइन है WP ऑप्टिमाइज, ठीक है, WP ऑप्टिमाइज, ठीक है। ये प्लगइन तो आपने जस्ट इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस प्लगइन की स्कैन वर्जन जाना है, तो आपकी प्लगइन को स्कैन करके डेटाबेस को ऑप्टिमाइज कर देगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख के आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।